कार्यक्रम के पुण्य आयोजक प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति रजत मंदिर निर्माण कमेटी निकटवर्ती जैन समाज श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। गुरु आज्ञा में चलने से सब काम होता है, गुरु आज्ञा में चलने से सब काम होता है, गुरुदेव को खुश करना आसान होता है, गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। हे जग में सबसे बड़ी गुरुदेव की पूजा, गुरुदेव से बढ़कर नहीं देव है दूजा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। चरणों में वंदन से, चरणों में वंदन से मन पावन होता है, गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। ओम रूम परम अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। अत्र अवतर अवतर संभूषट इत्ते आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठठ स्थापनम। जय हो जय हो। अत्र मम हृदय वेदिकायां शाश्वतकालीन विराजमानत्रुं सन्नितो भवभवशिट सन्निधिकरणं। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। गुरु छाया हो सिर पर, गुरु छाया हो सिर पर तभी कल्याण होता है, गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। ओम रूम परम स्तोत्र सताचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते स्वाहा। इस क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। गुरु चरणों में घर हो, गुरु चरणों में घर हो दूर संसार होता है, गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। ओम रूम परम अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। गुरु कह दे हम वो करें, गुरु कह दे हम वो करें, यही वरदान होता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। ओम रूम परम स्त्रोत्र सदाचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। सर्वेषाम् अखण्डक्षय पद प्राप्तये क्षतां निर्वपामि ते स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। गुरु साथ रहे मेरे, गुरु साथ रहे मेरे, मन तुमसे कहता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। ओम रूम परमस्तुतर सताचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां काम बाण विध्वंसनाय खंड ब्रह्मचर्य पद प्राप्तये पुष्पम निर्वपामि ते स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। संयम की औषध खा, संयम की औषध खा, जीव बलवान होता है। चरणों में वंदन से मन पावन होता है। ओम रूम परम स्त्रोत्र सताचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां क्षुधादिरोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि ते स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। गुरुदेव को दीप बना, गुरुदेव को दीप बना, दूर अज्ञान होता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। ओम रूम परम स्त्रोत्र सताचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामि ते स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैंने जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। गुरुमुख से निकला शब्द, गुरुमुख से निकला शब्द, मंत्र महान होता है। गुरुदेव की पूजन से मन पावन होता है। ओम ब्रूम परम स्त्रोत्र सताचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान विद्यासागर पिनोपरमा सर्वेषां दुष्ट अष्ट कर्म दायनाय धूपम निर्वपामिते स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाला है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। आदर्श बने जीवन, आदर्श बने जीवन, तभी उत्थान होता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। ओम रूम परम स्त्रोत्र सदाचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्त उत्तम फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निष्दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊँ, यह ऋण भावना भाता है। चरणों में वंदन से, चरणों में वंदन से मन पावन होता है। ओम रूम परम स्त्रोत्र सताचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां नर्घ्य पद प्राप्ताय जयमाला पुनर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। शुरुआत से अंत तक भिन्न भिन्न समयों में जो अनुभव होता है वह अपने आप में एक शोध जैसा अनुभव होता है। बोध का होना और शोध का होना, इसमें बहुत अंतर है। तैरना और डुबकी लगाने में जो अंतर है वही अंतर लगभग बोध में और शोध में है। आज का युग बोध कम शोध का ज़्यादा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है? कुछ तो लगता होगा। थीसिस की बात करता, अनुसंधान की बात करता है, अनुमान की बात करना भूल जाता है, अतीत को याद करना भूल जाता है, तो अनुमान लगाना बहुत कठिन होता। हमेशा हमेशा अनुमान जो होता है वह साधन के साध्य का नाम अनुमान है। आज के इस युग को एक प्रकार से प्रत्यक्ष कुछ हो नहीं रहा है, किंतु अनुमान को सिखाया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। भविष्य का अनुमान वर्तमान के ऊपर आधार है, तो वर्तमान का प्रचलन अनुभव अतीत के ऊपर आधारित। विज्ञान प्राय करके भविष्य की बात करता है। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कैसा था, कैसा होना चाहिए था, इसके बारे में उसके पास शायद फुर्सत नहीं है, या तो तत्संबंधी भूल चुका है। जो व्यक्ति इस विषय को इस ढंग से स्वीकारता नहीं, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सामान्य रूप से कहने में चूकना भी नहीं चाहिए। जिसको जितना समझ में आ जाए ठीक है। एक पढ़ाना और उपदेश देने में यही अंतर होता है। आप रविवार के दिन आते हो या विशेष थोड़ा सा समय निकल करके आ देते हो, तो उस समय हम आपको पढ़ाना भी चाहते हैं और सुनाना भी चाहते हैं, ताकि आप कुछ समय जा करके उसका अध्ययन कर सकें। क्रम से जब हम पढ़ते चले जाते हैं, उस अवधि काल में हमें कुछ महसूस भी होना प्रारंभ हो जाता है। प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी हमेशा हमेशा कुछ अनुभव सा जो लगता है उसको मार्क करता चला जाता है, यानी उसको वह अंकित करता है अपने दिमाग में। यह विचार पुनः पुनः सोचनी है और इसके ऊपर हम एक दिन बहुत अच्छे वक्तव्य अथवा कुछ लोगों को सीखने योग्य विषय दे सकते हैं। किताबी विषय को देना और उसके साथ साथ इसको जोड़ करके देना, इसमें बहुत अंतर है। माँ हमेशा हमेशा पंगत में परोसते समय ये ध्यान रखती है, आपको ज्ञान तो होगा ही, नहीं समझे, हाँ ध्यान तो रहता है, तो सबके लिए परोसते जा रही है और बीच बीच में वह कुछ करती है। उसको कोई व्यक्ति देखता या नहीं देखता पता नहीं, देखता तो ऐसा लगता है कि ये पक्षपात हो रहा है। नहीं समझे, एक की थाली में थोड़ा सा ज़्यादा और एक की थाली में थोड़ा सा कटौती के साथ, एक के लिए बिल्कुल ऐसे जो बैरियर खड़ा कर दे तर्जनी के माध्यम से, लोटे में से दूर नहीं गिरना है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कठिन तो नहीं है। और जब छोटा बच्चा समझ सकता है तो आप तो छोटे ने कहा, छोटा भैया ये क्यों करती है ऐसे? मुस्कान के साथ उसने उत्तर तो नहीं दिया ना, ऐसा नहीं, आपको बताना होगा, तो बाद में बता देंगे बेटा, बाद में फिर क्या होगा, अभी परोसने का काम है, बता देंगे हम, उससे बताएंगे बेटा। अब बाद में वो पुनः पूछा। कई बार हमने देखा तो ऐसा होता था। ऐसा क्यों होता? देखो बेटा, उनको भी पहले ऐसा ही करती थी। नहीं समझे, जब तक उदाहरण नहीं देंगे वो चुप नहीं बैठेगा, हमें चुप कर देगा वो, लेकिन उसको चुप करना तो आवश्यक है। जितनी जो उतनी उन्हें जो उम्र जो है उसकी जितनी थी उस समय, तुम्हारे लिए भी ऐसा किया जाता तो उसको भी ऐसा ही करते थे। ऐसा क्यों किया जाता है? हमेशा हमेशा एक सा होना चाहिए। तुम हमेशा एक सा कहाँ, तुम तो बड़े जा रहे हो, जितने बड़े होते जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारे देते रह जा रहे हो। अच्छी बात है। तो बड़ों का अलग होता है, मतलब छोटों को अलग होता है, लेकिन छोटा ही बड़ा होता है क्या बेटा? बड़ा अपने बड़ा बन करके आता, बताओ। हाँ, ये तो समझ में बात आ गई। तुम्हारी अभी यकृत जो है जिसको लीवर बोलते हैं वह कमज़ोर है। बार बार जल्दी जल्दी मान लो बुखार आ जाना, नज़ला हो जाना, नहीं समझे कि ये होता है। नज़ला का अर्थ मालूम है आप लोगों को? हाँ, जुकाम। हाँ, ये जुकाम खाम खाम नहीं रहता है, हाँ, जुकाम है वो। तो नज़ला क्या होता है? नज़ला बता रहा है स्वयं शब्द, नज़ला नहीं समझे, निर्जला जैसा पानी की कमी से और गर्मी बढ़ने से नज़ला होता है। कुछ लोगों का कहना है ठंडक से होता है, ऐसा नहीं। ठंडक से तो भीतर गर्मी जलना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए भूख खुल करके लगती है। और ये जो होता है उसमें इस ढंग से नहीं होता। अच्छा, नज़ला ये बताता है। एकांत से पित्त के कारण भी नज़ला होता है और अन्य और निमित्त मिलने से भी होता है। तो इसी प्रकार यह एक प्रकार से अवधि रहती है जो हमारे जीवन में पाठ्यक्रम चलता है उसको आत्मसात करते चले जाते हैं तो अपने आप बिंदु मिलती चली जाती है। आपको पढ़ाया जा रहा है, वह बिंदु से पढ़ाया जा रहा है कि किससे पढ़ाया जा रहा है ये मतलब नहीं, किंतु पाठ्यक्रम के बीच बीच में कुछ ऐसे बिंदु मिलती है जो गुरुजी के लिए भी थोड़ा सोचना आवश्यक हो जाता है। वो भी अपने गति को थोड़े से बदल देते हैं। कौन से शब्दों के माध्यम से इस विषय को मैं स्पष्ट कर लूँ। कभी कभी वो ऐसे कर देते हैं, करते करते उसको अधूरा ही रख देते हैं, नहीं समझे, ताकि यह भी सोचना बंद न करें। किंतु घर में जाकर के जितना बताया उतना तो तैयार कर ले, फिर बाद में यदि मान लो इस विषय के साथ और कुछ शंकाएँ जिज्ञासाएँ होते हों तो उसके लिए भी वह रास्ता प्रशस्त करता है। तो दूसरे दिन आता है तो उसको बता देता है इस प्रकार इसको पूर्ण कर लेना। हाँ हाँ गुरुजी, किंतु और भी बात है इसमें। क्या बात है? तो कुछ ये भी लग रहा है। हाँ, यह एक प्रकार से पढ़ाने के उपरांत जो पढ़ता है उसकी सही अपनी देन है। अभ्यास जो करता है वह विद्यार्थी करता है, अभ्यास की ओर लगा देता है, वो गुरु शिक्षक कहलाता है। तो शिक्षक का भी अपना एक रास्ता रहता है और वह अपने आप को सुरक्षित रखता हुआ भी सामने वाले को लाभ देता चला जाता है। कभी मेले खेले में आपने देखा होगा, गए तो होंगे कई बार, और उसी में बच्चों का आधा पैसा खर्च भी हो जाता है, नहीं समझे, झूले में देखा आप लोगों ने? अच्छा, कुछ गौर किया? गौर का मतलब मर क्या? ध्यान दिया? क्या ध्यान दिया बताओ? बच्चे एक पालना में बैठ करके ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने के उपरांत नीचे आ रहे हैं, ये ऐसा देखते हैं तो प्रत्येक बच्चे का क्या अनुभव में आ रहा है। जब बिल्कुल शिखर तक पहुंच जाता हो उस समय उसके लिए कुछ भय भी लगता होगा, नहीं समझे, कुछ भय भी लगता होगा। और नीचे आने के ऊपर धरती की शरण में हम आ गए, भैया उतर जाए तो अच्छा है, फिर उसको उतारा जाता। लेकिन उतारने का कार्यक्रम और बिठाने का कार्यक्रम वह चलाने वाला करता रहता है। देखो उस प्रकार वह हाथ यूं यूं करता रहता है नीचे के ऊपर की ओर पालने चले जाते हैं, उस समय वह वहीं पर ध्रुव पर खड़ा रहता है। उस झूले की मार उसके लिए कभी भी नहीं होती, और हो सकती है यदि मार पड़ जाए तो बीमार पड़ जाए, वो ये स्थिति वहीं पर गिर जाएगा। इसलिए आत्मरक्षा के साथ शिक्षक भी हमेशा हमेशा विद्यार्थी की ओर दृष्टिपात करते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो। कभी कभी जल्दी में मान लो शिक्षक उत्तर देना चाहें, नहीं, प्रश्न करने वाला भले ही जल्दी करे ये उसकी बात है, लेकिन उत्तर देना हमेशा हमेशा अप्रमत्त दशा के साथ ही दिया जाता है। अप्रमत्त के बारे में तो आपको कई बार कह चुका हूँ, वह 15 प्रकार के प्रमाद से ऊपर उठता है तब कहीं जा कर के अप्रमत्त दशा का अनुभव होता है। तो वह बच्चा यदि पूछता है तो अप्रमत्त होकर के जब पाठ को अच्छे आत्मसात कर लेता है तो उसके दिमाग में शंका उत्पन्न हो जाती है, ये प्रश्न है उसका, ये शंका है उसका, गुरुजी का नहीं, शंका गुरुजी के पाठ के ऊपर जब अध्ययन प्रारंभ किया जाता है तो शंका होना स्वाभाविक है। अब प्रश्ना के इसी के अर्थ को प्रश्ना ये कहते हैं कि वह सुन लेता है, वासना हो जाती है, किंतु पूछता है उस समय उसके दिमाग में आता है, उस समय शिक्षक सोच सकता है इतनी उम्र में इसने जो प्रश्न किया है, हमने उस समय पढ़ना भी अच्छे ढंग से नहीं आता था और इसने मेरे लिए भी हैरान में रख दिया। हैरान होता है कभी कभी, क्योंकि वह जल्दी में उत्तर नहीं दे सकता। जो जल्दी में उत्तर देता है वह वस्तुतः शिक्षा की कमी मानी जाती। हाँ, आप जल्दी में पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ाते समय वो जल्दी नहीं कराते। ऐसे बोलते हैं वाक्य जिसके द्वारा वह सुन करके उसको पूर्णतः लिख भी सकता है बच्चा, किंतु जल्दी आप करेंगे तो आज 12वीं कक्षा के बाद जल्दी हो रही है। आज 12वीं कक्षा के बाद जल्दी हो रही है। क्या जल्दी है? महाविद्यालय आ गया, अब विद्यालय छूट गया, महाशब्द लग गया, ये क्या है? इसमें तो पढ़ाने का उपक्रम प्रायः गायब हो चुका है भारतवर्ष में। तो हम थोड़ा सा पूछते हैं क्यों ऐसा होता है क्या? हाँ महाराज बिल्कुल हो रहा है, अभी आप कम कह रहे हो लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतनी अति हो रही है कि हमारे लिए कभी पूछने के साहस ही नहीं हो पाता। ये ऐसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं उन्हीं को मालूम या तो विद्यार्थियों को मालूम, न अभिभावक जानते हैं और न कोई व्यक्ति जानता है। ऐसा नहीं, पढ़ाने का अर्थ अलग होता है और एक प्रकार से प्रवचन देना या भाषण देना अलग होता है। इसको वक्तव्य बोलते हैं। बोलने योग्य तो होता है, कहने योग्य तो होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बीच में बिना फुल स्टॉप के लगातार धारावाहिक जो होते हैं उसका अर्थ कम पकड़ में आता है। शब्द तो यूँ जैसे झूले जा रहे हैं ऐसे जाते रहते हैं, शब्द का अर्थ वहीं पर अभिव्यंजित होना चाहिए, स्पष्ट होते जाना चाहिए। वक्तव्य का अर्थ ये नहीं हमने कह दिया, इसलिए कहने योग्य क्या है उसका नाम वक्तव्य है। कहने योग्य का नाम है, उसमें एक शब्द भी इधर उधर का नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज महाराज महाविद्यालय में तो कुछ पढ़ाई होती नहीं, तो पढ़ाई आपको छोड़ देना चाहिए। मतलब छोड़ देना चाहिए, यदि छोड़ दें तो प्रमाण पत्र मिलने वाला नहीं। मतलब ये है कि बिना पढ़े भी प्रमाण पत्र मिल सकता है, किंतु जाना अनिवार्य है, क्योंकि उनका जो वेतन चलता है वो उसी के ऊपर केवल हाजिरी लेना। यदि ऐसा हो रहा है तो 12वीं कक्षा तक ही ठीक, भले ही माँ शब्द नहीं लगता है, लेकिन उसको यदि आत्मसात अच्छे ढंग से कर लें तो आगे की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा ही होता रहता, इसको पढ़ाना नहीं कहलाता है। यह एक प्रकार से स्पीकर बोलते हैं इसको, कहीं कहीं पर हाँ स्पीच देते हैं। स्पीच देने के उपरांत तो कोई हम कुछ लिख भी नहीं सकते। आप तो सुनते जाओ तो कुछ थोड़े पूछते हैं, अपने आप ही आपको आ जाएगा, ये दोबारा आप पढ़ते जाओ। आपने क्या पढ़ा ये याद नहीं तो मैं अपने आप में क्या पढ़ूँगा। तो फिर ऐसा कर लेना, हमारे घर आ जाना। मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ खिसक करके, आपको समझ तो नहीं हुआ, 2 मिनट और ले लेता हूँ। आपको समझ में बात तो आ गई, मुझे समझने में बरसों लग गए बरसों लग गए। तो गुरुजी अपने घर बुला रहे, ये तो और अच्छी बात है। तो वहाँ पर बुलाए, तो वहाँ पर बुलाने के उपरांत पहले से कक्षा लगी हुई थी, 50 बच्चे। अब हाजिरी में तो 25 आना मुश्किल, अरे यहाँ पर तो 50 बच्चे कैसे। उसके लिए वेतन अलग दिया जाता है, वो पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। अब 50 का वेतन कितना होता आप ही देख लो। इसीलिए कई लोग वो नहीं भी है तो केवल पढ़ाने के अपेक्षा से ही अपने यहाँ विद्यालय बना लेते हैं, महाविद्यालय। और उसमें बच्चे सुनते हैं 50 एक साथ कर सकते, 100 भी आ जाए तो कोई बाधा नहीं। मतलब वो प्रवचन हॉल से कम नहीं होता, लेकिन फिर भी वह अभी तक हमने पढ़ लिया, लेकिन वह सही सही अर्थ नहीं निकल रहा। अतिरिक्त का नाम ट्यूशन बोलते हैं। हाँ, कोचिंग सेंटर तो है, लेकिन वह अतिरिक्त मैंने पाठ्यक्रम से अतिरिक्त या पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत यदि है तो फिर अतिरिक्त की क्या आवश्यकता है। यदि अतिरिक्त है तो पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता, बताओ। धीरे धीरे ताली बजाओ, नहीं बोला तो अच्छा है। पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, अतिरिक्त दे रहे हैं। यदि इसी के अंतर्गत है, उसी को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। विद्यालय में तो महाविद्यालय के शकुन आ रहे और यह महाविद्यालय को, इसको महाविद्यालय ने कह करके सर्वोच्च विद्यालय कह दे तो अच्छा होगा। हाँ, और एक एक विद्यार्थी, एक नहीं, 2 नहीं, 3 सेंटर केंद्र खोले हैं, वहाँ पर जाता है और विद्यालय भी जाता है। ये समझ में नहीं आता, अब वह अध्ययन कब करता होगा। वो थक करके सो जाता है, बस्ता लाद करके आता है, कमर टेढ़ी हो जाती उसकी, बूढ़ा अभी से बन गया है। बोलो अतिरिक्त का अर्थ उन्होंने इंग्लिश में ट्यूशन कहा है, तो वह एजुकेशन में अनिवार्य है क्या? अनिवार्य नहीं है, इसका कोई भी उत्तर नहीं देता। उत्तर देने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है, उधर से तो वेतन बंधा हुआ वह सरकारी है, और सरकार जो है ना इसके लिए छूट भी इसलिए दिया है कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। इस प्रकार ज़्यादा भोजन करने से जिस प्रकार पहलवान नहीं होता बिना पचाए, उसी प्रकार आपके बच्चे रुग्ण होते जा रहे हैं, और उसके दृश्य को देख करके आप और विशेष रुग्ण होते जा रहे हैं। दोनों की रुग्णता हमारे लिए खटकती है, दुख नहीं देती लेकिन खटकती है, इसलिए ये जानबूझ करके इस प्रकार समय निकाल रहे हैं, पैसे देते चले जा रहे हैं। फिर भी अब शिक्षा में कोई परिवर्तन और हो रहा है। शिक्षा में परिवर्तन यदि ट्यूशन को, अतिरिक्त ज्ञान को शिक्षा में बंद किया जाए, गलती कर रहा हूँ तो हम क्षमा चाहते हैं, वह बंद कर दिया जाए और बच्चे को पूर्ण समय दिया जाए, और वक्त शिक्षा को आप वक्तव्य का रूप मत रखिए। इतना ही कहना था, क्योंकि 2-3 दिन के बाद कुछ होना है बताते, भैया हमारा कोई निश्चय नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े बहुत 5-6 मिनट मैं दे देता हूँ, थोड़े बहुत आज दे दिया, मंगलाचरण हो गया। अब अतिरिक्त यदि आपको ज्ञान मिल रहा है, हमें नहीं चाहिए, जो है उसी में से हमें पढ़ाओ, और हमारे दिमाग के भी भीतर से कुछ बिंदु आ जाएं तो हमारे जीवन के अंत तक वो बने रहेंगे। संसारी प्राणी 84 लाख योनियों में भटक रहा है, किंतु वह भटकन का कारण नहीं समझ रहा है। भटकन तब होता है जब रास्ता नहीं रहता। जहाँ रास्ता नहीं रहता है तो भटकना तो स्वाभाविक, किंतु जब बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं वहाँ पर भी गाफिल होना स्वाभाविक। समझ रहे हो आप? तो जहाँ रास्ता ही नहीं है, पगडंडी है, तो कैसे करें? जब रास्ता है तो बहुत सारे हैं, तो रास्ता क्या करें? जिस रास्ते से महान व्यक्ति गए हैं अथवा जहाँ से महान व्यक्ति गुजरते हैं, वही महा रास्ता हम लोगों के लिए बन जाता है। अब वो भी संसार में थे, आप भी संसार हैं, हम भी संसारी, किंतु वो महा कैसे कहलाएं? उन्होंने ढूंढ निकाला कि इधर से हम जाएंगे तो सीधा ही पहुंच जाएंगे, तो इसलिए वे हम लोगों के लिए पूज्य हो जाते हैं। हम भी रास्ते पर रहते हैं लेकिन सही रास्ते पर नहीं है, इसलिए हम पूज्य नहीं कहलाते, भटके हुए कहलाते, अटके हुए कहलाते। अब यहाँ क्या करें? मोह ऐसा एक विस्तार है, इसलिए आचार्यों ने कहा कि जो जिस ओर गए हैं और वह महान बने हैं, वह रास्ता हम लोगों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए, शिरोधार्य होना चाहिए, उससे हम चलना प्रारंभ कर दें। भले ही हम कीड़ी की चाल क्यों न चले, किंतु चले उसी दिशा में। आप लोग वंश परंपरा लगाते हैं 10-20 मान लो पीढ़ी के पूर्व में आपके कोई भी वंशज तो होंगे पक्की बात, और वही यदि मान लो आज नामोल्लेख होता है तो क्या लगता है हम उनकी दादा परदादे आदि आदि के नाती परनाती, ये भी लग नाती और परनाती, पोता, पोते के बाद में और पोता, जो पोता ये होता ही जाता है, ये तो चलता है, उधर भी आगे ऊपर चलता है तो नीचे भी ऐसे चलेगा। इसलिए हम एक लाइन से हैं, इसलिए सबको वह तक देखो उनका है, यही उनका वंश है। उसी प्रकार आप लोगों का वंश कौन सा है? अभी कहा ना महाराज हमारा छोटा सा संसार, संसार तो अनंत काल हो गया है, भजन में तो बोल दिया ना महाराज हमारा छोटा सा संसार आयु, मतलब संसार में हम आए कि इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, तारने के लिए। तो आप ही इधर आ जाओ ना, हाँ हम आपके संसार छोटे संसार में आने की अपेक्षा से आप ही इधर आ जाओ, हैं तर जाओगे, कैसा होगा? तो इसलिए वो महापूज इसलिए बन गए कि उन्होंने रास्ता ढूंढ निकाला, और हमारा सौभाग्य है कि उनके रास्ते पर हम चलते हैं तो बिना कसरत, बिना मेहनत, बिना कठिनाई के, और उनके पीछे पीछे लग जाना चाहिए। लेकिन पीछे लगना भी बहुत कठिन होता है, नहीं समझे? पीछे लगना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि वह जिस ओर जा रहे हैं उसी ओर हमें भी चलना ही है, और मानसिकता भी बनानी है, समझे? मानसिकता तो बहुत कठिनाई होती महाराज, फिर आप भटके ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि उद्देश्य के अनुसार ही आप राहगीर कहलाते हैं। यदि आपका उद्देश्य नहीं रहेगा तो राहगीर नहीं कहलाओगे, तो राहगीर यदि नहीं बनोगे तो फिर आगे जा कर के आप कैसे सफलता प्राप्त करोगे? आज समय ज़्यादा हो गया था, इतना ही बताना चाहता हूँ। अब आपका छोटा सा संसार बना रहे, महासंसार न बने। छोटे संसार को कहा गया विपरीत संसार, परीत मैंने तट की ओर, तट की ओर, नहीं समझे? अब तट की ओर आ रहे हो, तट के ओर छलांग लेना है। देखो कैसे नहीं हुआ, पीछे कर दिया। यहाँ पर तो 10 मिनट का है, 10 मिनट ये आगे है क्या? वो पीछे कर दिया हैं? वो सही है, सही है। तो फिर ठीक है, आप लोग अपने संसार को छोटा बना दो, छोटा बनाते जाओ, जितना बन सके जैसे कैसे जितना बनाओ उतना ही तो छोटा ही होता जाएगा। हाँ बिल्कुल, मोह को कम करने से छोटा बनता है, परिग्रह को कम करने से छोटा बनता है। यदि परिग्रह आपके पास ज़्यादा जुड़ गया है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके ऊपर अनुग्रह करके उसको उठा दो, तो आपका भी छोटा हो गया और आपका आपके साथ वह भी हो गया। तो आपके आप छोटे संसार वाले कहलाएंगे, तो आपके साथ रहने वाला बड़ा संसारी कैसे हो सकता? वो भी छोटा हो जाएगा। इस प्रकार सभी लोगों के संसार को छोटा जो बनाने में लगा है वो बहुत धन्यवाद का पात्र। साथ ही बनाते चले जाओ, अपने पास रह गया थोड़े बहुत, मान लो ज़्यादा भूल से कमा लिया, नहीं समझे? भूल से थोड़े से ज़्यादा कमा लिया तो कोई बात नहीं, भूल से ही थोड़े से ज़्यादा उनको दे दिया। अपने यहाँ दान की व्यवस्था है, मुख्य रूप से दान भगवान को तो लेते नहीं। आपका दान स्वीकार है भगवान को? वो तो संसारातीत हो गए। आप छोटे संसार वाले बनना चाहते हो तो और जो हैं उनके लिए सहयोग देते जाओ, और उनको भी अपने दल में, अपने पार्टी में बदल दे जाओ, नहीं तो उनके दल में जाकर ये मिल जाएंगे तो दल दल हो जाएगा। नहीं समझे? उससे तो निर्दल ही ठीक है, हैं? हैं? हाँ हाँ, दो प्रकार के वजन होते हैं, एक शारीरिक वजन, नहीं समझे? हाँ, दो प्रकार के वजन अपने अपने कम कर लो। देखो जो व्यक्ति वजन कम करता जाता तो उसका वजन बढ़ता जाता है। अरे ये वजनदार व्यक्ति हो, बहुत वजनदार व्यक्ति, तो काय के लिए? हाँ, ये है गुणों की अपेक्षा से, उदारता की अपेक्षा से वो बहुत वजनदार है व्यक्ति। हाँ, इसलिए आप शारीरिक वजन तो कम कर ही रहे हैं, ये समझे, किंतु उसके साथ साथ परिग्रह पोट उतार के, परिग्रह पोट क्या मतलब? परिग्रह कोट उतार के कितने ओढ़ते जा रहे हो, हैं? और इधर कहते भी जा रहे हो हमारा छोटा सा संसार, हैं? उस माया देवी को बाहर निकाल दो। हाँ, माया देवी को भीतर पूजना ठीक नहीं है, और उसके स्थान पर संतोषी देवी को उठा दो। नहीं समझे? संतोषी देवी की उपासना करने वाला व्यक्ति बहुत ही जल्दी संसार से ऊपर उठ जाता। आपको संसार से ऊपर उठना है क्या? नहीं बोलो हाउ। हाँ ठीक है, बुंदेलखंड में हाउ शब्द है। हाँ है, हाउ कहलाते हैं। तो इस प्रकार यदि बनाएंगे बहुत ही अच्छा काम होगा। इतना ही मैं समझता हूँ, बाकी सब आपका ठीक है। अभी आपके सामने पूजन हो रही थी, और चूंकि आप संगीत प्रेमी हैं इसलिए संगीत भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। गीत भी चाहिए, संगीत भी चाहिए आप लोगों को, किंतु संगीत का अनुपात भी आप लोगों को ज्ञात रखना चाहिए। 100 व्यक्ति याद यहाँ पर बैठे नहीं, और आप इतनी तेज विद्युत के करंट के साथ उसको चला रहे हैं, एक भी गीत के शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा। समझ में आए या नहीं आए, हम तो सुन रहे हैं। तो ये अपने आप में अच्छा उत्तर नहीं माना जाता। जब आपको भी सुनने में समझ में नहीं आता है तो फिर आएगा कौन? किसको? मुझे? मुझे कोई आवश्यकता तो है नहीं। इसीलिए संगीत का गीत के साथ अनुपात भी होना चाहिए। साथ तो होना चाहिए लेकिन अनुपात होना चाहिए। वो बार बार गीतकार देखते रहते हैं, या नहीं समझे? हाँ नहीं समझे? थोड़े से उठा दो, वो कहता है थोड़ा ठोक नीचे कर दो, ठोक दो। इसका अर्थ वह इनकी गीतकार के अनुसार नहीं, ये जैसे बोलता हूँ उसके अनुसार ही संगीतकार को अपने वादन में स्वर भर देना चाहिए। तो आज कुछ है ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।